ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि आगामी 22 जून को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक में वर्षा जल संचयन पर ग्रामीणों को जागरूक करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में जल संरक्षण की दिशा में चेक डैम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने कहा कि आगामी 22 जून को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक में वर्षा जल संचयन पर ग्रामीणों को जागरूक करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में जल संरक्षण की दिशा में चेक डैम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस बारे में एक पत्र जारी कर सभी नागरिकों को वर्षा जल से अधिक संचयन के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में हमीरपुर जिला में ग्राम पंचायत स्तर पर खड्डों व नालों पर चेक डैम निर्माण की संभावनाएं तलाश करने के लिए एक अभियान के रूप में सभी विकास खंडों में कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में चेक डैम निर्मित करने के लिए स्थल निरीक्षण का कार्य संबंधित खंड विकास अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। विभिन्न विकास खंडों में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर विशेष ग्राम सभा में भागीदारी तथा चेक डैम स्थल के लिए उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि चेक डैम में वर्षा जल का संचयन करके इस पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इससे आसपास की भूमि में नमी की मात्रा तथा भूजल स्तर में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। पौधारोपण के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने से भू संरक्षण करने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने समस्त ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें और अधिक से अधिक लोगों को विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए प्रेरित भी करें।